हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा टियागो को टाटा की टिगोर के साथ में। इन दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट को हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। एक हैचबैक कार है तो दूसरी सेडान है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको क्या फीचर्स डिफरेंस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की प्राइस से। टाटा टियागो का एक्सटेड प्लस वेरिएंट आपको एक्सोरूम प्राइस पड़ता है 6,23,000 रुपए का, और टाटा टिगोर का सबसे टॉप एंड वेरिएंट एक्सटेड प्लस आपको एक्सोरूम प्राइस पड़ता है 6.99 लाख का। दोनों ही गाड़ियों में प्राइस डिफरेंस की अगर बात करें तो 76,000 का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि टाटा की जो टिगोर है वो यहाँ पर आपको 76,000 महंगी मिलती है टाटा की टियागो के सबसे टॉप एंड वेरिएंट से। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस दी हुई है। टाटा टिगोर की लंबाई यहाँ पर आपको 228 mm ज्यादा मिलती है टाटा की टियागो से, क्योंकि ये एक सेडान है और टाटा टियागो एक हैचबैक कार है। चौड़ाई की अगर बात करें तो बिल्कुल बराबर दी गई है। हाइट भी यहाँ पर आपको लगभग बिल्कुल बराबर ही देखने को मिलती है। व्हील बेस की बात करें तो 50 mm का व्हील बेस आपको टाटा टिगोर में ज्यादा मिल जाता है। बूट स्पेस की अगर बात करें तो टाटा टिगोर में आपको बूट स्पेस भी ज्यादा दिया गया है। 242 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर आपको ज्यादा मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको बिल्कुल बराबर दिया गया है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। टायर साइज की अगर बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको बिल्कुल बराबर टायर साइज दिए गए हैं। 175/65 और 15 इंच के टायर आपको मिल जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट में। अगर दोस्तों आप इन दोनों ही गाड़ियों के बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो वहां पर आपको 14 इंच के टायर दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में दोस्तों आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो कि देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। टाटा टियागो और टाटा टिगोर में आपको बिल्कुल सेम इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों के अंदर बिल्कुल सेम इंजन यूज किया गया है। 1.2 लीटर का 1197 cc का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको 86 PS की पावर मिलती है 6000 RPM पर, और 113 Nm का टॉर्क मिलता है 3300 RPM पर। टियागो की कंपनी क्लेम्ड माइलेज मिलती है 19.8 KMPL की, जबकि टिगोर में यहाँ पर आपको 20.3 KMPL की माइलेज क्लेम की जाती है। इन दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, और BS6 कंप्लायंट इंजन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे फीचर के बारे में जो कि इन दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल बराबर दिए गए हैं, मतलब कि कॉमन फीचर्स के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल बराबर मिलते हैं। सेफ्टी पर आपको ABS EBD मिल जाता है, 2 एयरबैग यहाँ पर आपको दिए गए, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फीचर मिलता है, और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की बात करें तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया है टॉप एंड वेरिएंट में। नीचे वाले वेरिएंट में आपको मैनुअल AC देखने में मिलता है। वैनिटी मिरर यहाँ पर आपको मिल जाता है को ड्राइवर साइड में। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में दिया गया है। टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर आपको मिलती है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है मोबाइल चार्ज करने के लिए। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का फीचर भी यहाँ पर आपको दोस्तों टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाता है। फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज भी दोनों ही गाड़ियों के टॉप एंड वेरिएंट में दी गई है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM का फीचर भी यहां पर आपको मिल जाता है। ये सभी फीचर वो हैं दोस्तों जो कि दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल बराबर आपको दिए गए हैं। बात करें इनमें मिलने वाले इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो का फीचर भी मिल जाता है। USB ऑक्स और ब्लूटूथ FM AM की कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलती है। 6+ स्पीकर यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोनों ही गाड़ियों में। उसी के साथ में दोस्तों आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं। अगर दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो डुअल टोन का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिलता है, और दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों के जो इंटीरियर का डिजाइन है वो यहाँ पर आपको एक जैसा ही दिया गया है। कप होल्डर यहाँ पर आपको मिलते हैं सेंटर कंसोल के अंदर, और बोतल होल्डर यहाँ पर आपको ऑल 4 डोर के अंदर दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें इन दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर के बारे में तो बॉडी कलर का बम्पर आपको मिलता है, बॉडी कलर के डोर हैंडल और ORVM मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर ORVM पर ही आपको देखने को मिले। रियर डिफोगर यहाँ पर आपको मिल जाता है, और रूफ माउंटेड एंटीना यहाँ पर आपको दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर आपको दोनों ही वेरिएंट में दिया गया है, जो कि सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के यूनिक फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा टियागो में मिलने वाले यूनिक फीचर्स के बारे में, मतलब कि वो फीचर जो कि आपको टाटा टियागो में मिलेंगे लेकिन टाटा टिगोर में नहीं मिलेंगे। टाटा टियागो में दोस्तों आपको फुल फोल्डिंग रियर
सीट का फीचर मिलता है जो कि टाटा टिगोर के टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलता है, और रियर वाइपर भी यहाँ पर आपको टाटा टियागो में मिल जाता है जो कि टाटा टिगोर में नहीं मिलता है। सिर्फ ये दो ही ऐसे फीचर हैं जो कि आपको टाटा टियागो के टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं, लेकिन टाटा टिगोर के टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टाटा टिगोर के टॉप एंड वेरिएंट में मिलने वाले यूनिक फीचर्स के बारे में जो कि आपको टाटा टियागो के टॉप एंड वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो टाटा टिगोर में आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के फीचर के साथ में। टू पावर आउटलेट यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जबकि टाटा टियागो में आपको सिर्फ वन मतलब कि एक ही पावर आउटलेट मिलता है। रियर आर्मरेस्ट यहाँ पर आपको मिलता है विद कप होल्डर जो कि आपको टाटा टियागो में नहीं मिलता है। डे टाइम रनिंग लाइट मतलब कि LED DRL भी यहाँ पर आपको टाटा टिगोर में मिल जाती है जो कि आपको टाटा टियागो में नहीं मिलती है। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट यहाँ पर आपको मिलती है, टाटा टियागो में आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट ही दी गई है। LED टेल लाइट भी यहाँ पर आपको टाटा टिगोर में मिल जाती है, लेकिन टाटा टियागो में नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये वो सभी फीचर हैं जो कि आपको टाटा टिगोर में मिल जाते हैं लेकिन टाटा टियागो में नहीं मिल पाते हैं। और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों वो है टाटा टियागो एक हैचबैक कार है और टाटा टिगोर एक कॉम्पैक्ट सेडान कार है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको टाटा टिगोर के अंदर ज्यादा बूट स्पेस भी मिल जाता है और लेग रूम में भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप टाटा टिगोर की तरफ जा सकते हैं, जिसमें कि आपको थोड़े फीचर्स भी ज्यादा मिलते हैं, बूट स्पेस भी ज्यादा मिलता है और इंटीरियर में भी स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। और अगर आपको एक हैचबैक कार ही चाहिए, कॉम्पैक्ट कार ही चाहिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको टाटा टियागो की तरफ ही जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।